17.2 साधारण नमक कॉमन सॉल्ट। समुद्र के खारे पानी में 30 से 35 ग्राम लवण प्रति लीटर होता है। इसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। 17.2.1 नमक का निर्माण, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट। समुद्र के किनारे समुद्र के जल को उथले गड्ढों में इकट्ठा करके वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जल के वाष्पीकृत होने पर कच्चा नमक बच जाता है, जिसमें नमक के अलावा बहुत से और लवण भी रहते हैं तथा कुछ मात्रा में रेत भी पाई जाती है। चित्र एक। इसको शुद्ध तथा क्रिस्टलीकृत कर उपयोग में लाया जाता है। समुद्री जल से नमक बनाने का काम मेहनत के साथ साथ सतर्कता से किया जाने वाला कार्य है। नमक में पाई जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने के साथ साथ उसमें अन्य आवश्यक पदार्थों को मिलाया जाता है, जैसे नमक में आयोडीन। यह पोटेशियम आयोडेट के रूप में मिलाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि नमक में आयोडीन क्यों मिलाते हैं? विश्व के कुछ भागों में नमक की खदानें पाई जाती हैं। अनुमान है कि यह खनिज नमक समुद्र के किसी हिस्से के सूख जाने से बना होगा। नमक हमारे भोजन का एक आवश्यक घटक है, किंतु क्या हम समुद्री जल का उपयोग भोजन बनाने के लिए कर सकते हैं? जैविक प्रक्रियाओं में भी नमक का बहुत अधिक महत्व होता है, अतः हमारे भोजन में इसकी उचित मात्रा होनी चाहिए। शरीर में इसकी अधिक मात्रा उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर तथा कम मात्रा निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर का एक कारण है। क्या आप जानते हैं कि पैकेट बंद नमकीन खाद्य पदार्थों जैसे सेव व चिप्स में भी नमक बहुत अधिक होने के कारण ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। 17.2.2 उपयोग यूसेज। पहला, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। यह खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। दूसरा, साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कई पदार्थों जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। तीसरा, नमक और शक्कर के पानी में घुलने से बने पुनर्योजी विलयन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का उपयोग शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने पर प्राथमिक उपचार के लिए किया जाता है। 17.3 खाने का सोडा बेकिंग सोडा। खाने के सोडा का उपयोग प्रायः रसोई घर में खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पचाने के लिए भी किया जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसे सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर साल्वे अमोनिया विधि साल्वे अमोनिया प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पिछले अध्याय में आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH मान की जांच की थी। क्या आप यह बता सकते हैं कि इसका उपयोग अम्ली विलयन को उदासीन करने के लिए क्यों किया जाता है? खाने के सोडे को गर्म करने पर यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। NaHCO3 गर्म करने पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। 17.3.1 उपयोग यूसेज। पहला, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर खाने का सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाया जाता है तब अभिक्रिया निम्नानुसार होती है। NaHCO3 प्लस H+ चार्ज अम्ल से
is equal to CO2 gas plus H2O plus अम्ल का सोडियम लवण। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्रेड, खमण और केक फूल जाते हैं, जिससे वे मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेट की अम्लीयता एसिडिटी कम करने में प्रति अम्ल एंटासिड के रूप में उपयोग होता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट के अम्ल को उदासीन करता है। तीसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है।